मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को दिल्ली में जहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के वर्तमान हालातों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कल्याणकारी कदमों के बारे में जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के दौरान कई बेहतरीन कदम उठाए हैं, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान जनता को जागरूक करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इस दौरान हरियाणा सरकार के अनापेक्षित 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने फरवरी माह में पेश होने वाले आम बजट से पूर्व देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से केंद्रीय बजट 2021 से 22 में हरियाणा को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने यह मांग आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेने के दौरान की। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को हरियाणा के विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में अवगत करवाया। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि लघु सिंचाई परियोजनाओं व तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्रीय बजट 2021 व 22 में हरियाणा को 1000 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की मांग की गई। इसके अलावा ग्रामीण विकास, कोविड-19 प्रबंधन, स्वास्थ्य व आधारभूत मेडिकल सुविधाओं के लिए 3000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की मांग भी की गई है। बता दें कि बजट पूर्व बैठक में हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद और वित्त विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पंचकुला से संवाददाता खुशबू नैब की रिपोर्ट। देखिए, हमने तो पहले भी कहा है कि ये जो इस प्रकार के इनके मंसूबे जो हैं ये कोई अच्छे नहीं हैं और सरकार को अस्थिर करने की जो बातें ये कभी भी दिन में सोचें, रात में सोचें, इनको कभी कोई हम पूरा नहीं होने देंगे, सफलता नहीं मिलेगी। और समाज में जिस प्रकार की डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए खास करके जो चढ़ूनी का विषय पहले भी उजागर हुआ है और पहले वीडियो भी इनकी चल चुकी है, और इस प्रकार के समाज में एक्सपोज होंगे ये लोग, और समाज में एक्सपोज होने का मतलब है कि इनको समाज जो धत्ता दिखाएगा। और कुल मिलाकर के किसानों के आंदोलन के नाते से ये जिस प्रकार की घिनौनी हरकत कर रहे हैं ये निंदनीय है, ये ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं रेलवे के, खास करके हमने जो जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है रेलवे के साथ हरियाणा सरकार ने, उसके अंतर्गत कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पहले से जो चल रहे हैं, उन सब की अपेक्षा भरी है कि शीघ्र अति शीघ्र पूरे हों। वो एक एक प्रोजेक्ट के हिसाब से हम उसको रिव्यू कराएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।